अब होगा चमकदार कमोड हर मोहल्ले, वो भी होम मेड वॉशरूम क्लीनर से। तो अगर आपको वॉशरूम में कुछ ऐसा दिखता है, टाइल्स ख़राब हो गई हैं, जगह जगह पे मिट्टी के पानी के डब्बे पड़ चुके हैं, जंग लग चुका है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इफेक्टिव होम मेड वॉशरूम क्लीनर की रेमेडी, जो कि शेयर करने वाली हूँ मैं आज आपके साथ इस वीडियो में। हमारे पास यहाँ पे हैं आधा किलो लीमू के छिलके जो कि फ्रीज हुए हैं। हमारे घर में जो भी लेमन वगैरह यूज़ होते हैं उनके छिलके हम लोग फ्रीज़ कर लेते हैं और उससे बनाते हैं एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी, जिससे वॉशरूम्स आप लोगों के बहुत ही चमकदार और अच्छे लगने लग जाते हैं। तो मेरे पास तकरीबन आधा किलो लीमुओं के छिलके हैं। अब आप हम लोगों ने करना क्या है कि हमने लेना है 2 ग्लास के बराबर पानी, उसको डाल लेना है एक पैन में और रख देना है चूल्हे पे। चूल्हे पे रखने के बाद हम लोगों ने ये जो सारे छिलके हैं इसके अंदर ये भी ऐड कर देने हैं और इसको दे लेने हैं 2 से 3 बॉयल और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है अच्छी तरह से, ताकि हमारा जो लीमुओं का रस है वो सारा इसके अंदर सारा असर वगैरह पानी के अंदर निकल आए। उसके बाद हमने चूल्हा बंद कर देना है। जब हल्का सा ठंडा हो जाएगा फिर हम लोगों ने जो है इसको नेक्स्ट फर्दर यूज़ करना है। वो नेक्स्ट जो हमने यूज़ कैसे करना है कि जब हमारा ये पानी जो है वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, हम लोगों ने एक ब्लेंडर लेनी है, ब्लेंडर के अंदर सारे छिलके और पानी डाल देना है। ठीक है जी, डालने के बाद हम लोगों ने उसे कर लेना है अच्छी तरह से ब्लेंड, के सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में आ जाएँ। उसके बाद हमने कोई भी कपड़ा ले लें, कोई भी जाली ले लें, उसके साथ आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से छान लेना है। छानने के बाद जो है वो एक गाढ़ा सा लिक्विड आपके पास आ जाएगा, जिसके सारे क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। यहाँ पर देखें जी, गाढ़ा सा लिक्विड आ गया है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, 4 ग्लास पानी ले लेना है, 1 एग बीटर ले लेना है, अपने हाथों को पे चढ़ा लेने हैं ग्लव्स, क्योंकि जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स में जाना है वो है जी बहुत ही हार्श, बहुत हार्श नहीं लेकिन थोड़ा सा हार्श। ठीक है जी, अब इसके अंदर हम लोग पानी के अंदर डाल देंगे लीमू वाला लिक्विड और उसके बाद जी दूसरे इंग्रेडिएंट है उसे कहते हैं सर्फ ऑयल। आप बाजार से सर्फ ऑयल कह के ईजिली ले सकते हैं, मार्केट में ईजिली मिल जाता है। इसके अंदर फिर हम डालेंगे सर्फ ऑयल, आधा किलो लीमू के छिलके होंगे तो आधा किलो ही जो है वो सर्फ ऑयल जाएगा इसके अंदर। ठीक है जी, सर्फ ऑयल को डालना है, इसका टेक्सचर जो होगा वो कस्टर्ड ऑयल की तरह होगा। इसको ऐड करने के बाद एग बीटर के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद वॉशरूम में डालें, देखें खुद ब खुद झाग बनाता है और वॉशरूमों को चमका दे।